मोदी जी रोड शो किए हैं पटना में, इसका जवाब नीतीश कुमार देंगे। पैराग्राफ मोदी के गिर रहा है कि उठ रहा है, 400 के पार, समझे कि नहीं? नारा देते हैं कि गंगा ने माता ने बुलाया। अरे कहाँ लव तेरा माता बुलाया, तो अच्छी नो करता है। 4 महीना के अंदर में वापस आ जाएंगे, राजेंद्र यादव भी आ जाएंगे। हाँ, 4 महीने के अंदर में चला गया वापस, गारंटी। और नहीं तो फिर हम ही केस कर देंगे, हम ही कर देंगे, पूरे करना का हम कर देंगे। किन पे केस कीजिएगा? हाईकोर्ट पर। 19 के जो टाइम था उसमें मैं भी नहीं किए थे यहाँ कहीं कोई गाँव में, अतरी के कोई गाँव में नहीं, नहीं कोई गाँव में नहीं गए, कोई गाँव में नहीं गए। आपके जो प्रतिद्वंदी NDA वाले, नीतीश कुमार के पार्टी वाले लोग, वो बोलते हैं कि नौकरी तो हम लोग देते, जैसे भी तो बउआ है। कोई चीज दो से एक होता है तो मजबूत तो ही जाता है ना। बिल्कुल। युवाओं का एक शिकायत है कि बिहार में, जहानाबाद में, देश में रोजगार नहीं है। आप अगर सांसद बनते तो जहानाबाद के युवाओं के लिए क्या काम होगा? अतरी विधानसभा क्षेत्र के भी विधायक थे पूर्व में राजेंद्र प्रसाद यादव जी, वो भी अभी जेल में है, वो चुनाव में रहते तो आपको कितना आसान होता? चंद्रशेखर जी से लड़ाई नहीं है, मोदी जी से लड़ाई है। हाँ, ये मोदी जी से लड़ाई है, कमर कस लिया है आर पार के लड़ाई लड़ने के लिए। कब कौन किसका पलड़ा भारी हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहानाबाद लोकसभा चुनाव कितना लड़ाई है इस बार? अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बथानी बाजार में, और बथानी बाजार में आज इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ है, और उस बैठक में शिरकत करने के लिए आए थे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट RJD से हैं सुरेंद्र यादव जी, और ये चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से। इनके प्रतिद्वंदी हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, निर्दलीय से ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का माहौल क्या है, मुद्दा क्या है, चुनाव जब ये घूम रहे चुनावी मैदान में तो क्या क्या समस्या देखने के लिए मिल रही है, कितना विश्वास है जनता पे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है, बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले यही सवाल होगा कि जहानाबाद लोकसभा चुनाव कितना लड़ाई है इस बार? देखिए, किसी चीज़ को हल्का लेना अपना नुकसान उठाना है, ये राजनीति है। तो लोग ऐसे कहावत में कहता है कि कब कौन किसका पलड़ा भारी हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम किसी को अपने सामने कमज़ोर समझते हैं, इसका मतलब कि राजनीति के हमको ज्ञान नहीं है। और जहाँ तक की बात है, चुनाव लड़ता है नेता, चुनाव लड़ता है पार्टी, और पार्टी के बाद लड़ता है कार्यकर्ता। जितना कार्यकर्ता मेरा मजबूत होगा उतना ही चुनाव बहुत बढ़िया होगा। चुनाव में हमको लगता है कि इस बार हमारा कार्यकर्ता जो है से दृढ़ संकल्प ले लिया है और कमर कस लिया है आर पार के लड़ाई लड़ने के लिए, और उसको नरेंद्र मोदी को दिखलाना चाहता है कि बिहार से तुम्हारा 400 नहीं पार होगा, 4 पार कर जाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कमर कस लिया है, मन बना लिया है इंडिया गठबंधन पार्टी, और हमको लगता है कि आर पार की लड़ाई मोदी से लड़ेगा, ये लोग उम्मीदवार से नहीं। अच्छा, चंद्रेश्वर जी से लड़ाई नहीं है, मोदी से लड़ाई है? हाँ, ये मोदी जी से लड़ाई है, चंद्रेश्वर जी से नहीं है। सर पिछले बार का चुनाव को अगर देखा जाए, जिस प्रकार से मतलब कि आप लड़ रहे थे, जिस प्रकार से आप लड़ाई में थे, इस बार की लड़ाई और मतलब कि कठिन है या आसान है? देखिए, पिछले बार जो लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकार लड़ रहा था, चंद्रेश्वर जी नहीं लड़ रहे थे, वो सरकार लड़ रहा था हमसे। अगर सरकार नहीं लड़ता तो हम 1700 वोट से डिफीट खाए थे पोस्टल बैलेट से। क्या आपको लगता है कि आप मीडिया से आते हैं, एक कैमरा मैन है, एक आप हैं, तो सब आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, सब बेवकूफ़ है? अब 4000 वोट को कैंसिल कर दिया डबल क्रॉसिंग में, डबल क्रॉस में, तो 4000 जो आर्मी से या और पदाधिकारी है यहाँ कहीं नौकरी करने वाला है, ये सब बेवकूफ़ आदमी था, पढ़ा नहीं था, वो जानकारी नहीं था। उसमें तो लिखा हुआ है कि एक वोट एक क्रॉसिंग, तो क्रॉस करना था, ये डबल कैसे आ गया? और 4000 वोट जब कैंसिल हो गया तो चंद्रेश्वर जी के वोट को मेकअप करते हुए हम हार गए,
1700 वोट से। अच्छा, आप अभी बोल रहे थे कि पिछले बार सरकार चुनाव लड़ रही थी, हाँ। तो कहीं ना कहीं इस बार भी सरकार है बिहार में आपकी प्रतिद्वंदी का, तो इस बार भी कहीं वैसा हो जाए तो इसको कैसे देख रहे हैं? मुंगेर की जनता क्यों त्राही माम कर रहा है, आपको क्या लगता है? मुंगेर आपका बगल में ना है? बिल्कुल, कवर भी किया वहाँ पे। हाँ। आप कवर किए तो वहाँ क्या हाल हुआ, आप तो देखे होंगे। तो फिर बतावे कौन जरूरत है, सरकार वहाँ खुल्लम नंगा नाच किया है कि नहीं किया है? पर एक बात तो हमको मालूम होगा ना कहीं से कि वहाँ सरकार लड़ रहा था, सरकार सब चीज़ काम कर रहा था खुले ओपन बाजार में। जहानाबाद का क्या मुद्दा है सर, क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ठगे वाला अगर मुद्दा लेके जाते हैं तो राजनीति लंबा नहीं होगा, और काम के अनुसार चलते हैं जनता के साथ तो इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं होगा। कई जटिल समस्या वहाँ है उत्पन्न, जैसे सबसे पहले है सिंचाई का, किसानों के लिए जो किसान का निवार्य है सिंचाई के लिए। दूसरा उसको है शिक्षा का लिए, तीसरा उसका है इलाज का लिए। तो शिक्षा अगर मिल जाए, सिंचाई मिल जाए और इलाज मिल जाए और कुछ कमाई मिल जाए तो दिक्कत कहाँ होगा। तो हम उस यही मुद्दा लेके चल रहे हैं, बिहार में अपना जो होना होगा होगा, पर हम अपने लोकसभा क्षेत्र में यही मेरा मुद्दा रहेगा। अच्छा, अत्री विधानसभा क्षेत्र के भी वो विधायक थे पूर्व में राजेंद्र प्रसाद यादव जी, वो भी अभी जेल में है, वो चुनाव में रहते तो आपको कितना आसान होता? तो कोई लड़ाई नहीं रह जाता, तो कोई लड़ाई नहीं रह जाता। मतलब राजेंद्र जी रहते तो एक तरफा हो जाता? हाँ, एक तरफा वोट होता, लोकप्रिय आदमी बहुत मानता है, उसको प्यार करता है, जानता है, रोज उससे 100 आदमी 50 आदमी मिलने जाता है, पर वो तो जब भी मिलता है तो कानून के तहत कई आदमी कैसे लौटना पड़ता है तो लौट जाता है, पर संवाद उसको मिल जाता है कि लोग आए थे मिलने के लिए, ये संवाद उसको मिल जाता है। युवाओं का एक समस्या है सर आपके लोकसभा क्षेत्र में, लगातार हम घूम रहे हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, सब युवाओं का एक शिकायत है कि बिहार में, जहानाबाद में, देश में रोजगार नहीं है। आप अगर सांसद बनते हैं तो जहानाबाद के युवाओं के लिए क्या काम होगा आपका? नहीं, जो चीज़ आप बोल रहे हैं ना, हाल में लालू प्रसाद जी अगर रैली किए थे दिल्ली में तो हमको जिम्मा मिला था स्टेडियम को भरने के लिए, तो बहुत आसानी से भर दिए। कैसे भर दिए? कुछ बिहारी लोग रहते हैं वहाँ पर, बहुत रहते हैं दिल्ली में, तो उससे हम पूछे कि जहानाबाद के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो उसने कहा कि इसे अशोक बिहार जो कॉलोनी है और इंडस्ट्रियल है थोड़ा अशोक बिहार में, वहाँ बिहारी लोग बहुत रहते हैं। तो हम गए वहाँ, मिले सबसे, अरे सब तो हमको अपना परिचय के लोग मिल गए दिल्ली में, दिल्ली में। तो हमने कहा कि इसे लालू जी यहाँ पर रैली बुलाया है और हम चाहते हैं कि उस रैली में आप लोग भाग लें, तो सब तैयार हो गया। तो हमने कहा कि एक दिन के तुम्हारा मजदूरी चल जाएगा, कहीं मारिए गोली, लालू यादव से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, हाँ, हमको खाली बस ठीक कर दीजिए, अब बस पर जाने आने का व्यवस्था कर दीजिए, बाकी हम चल जाएंगे और चल आएंगे, और भर गया स्टेडियम लालू जी के एक आदेश पे आप पूरा स्टेडियम भर दिए। हाँ, तो पता चला कि यहाँ बहुत ज़्यादा जहानाबाद के लोग रहते हैं। हाँ, तो वही हम मेरा सवाल था सर कि उन लोगों को जहानाबाद में ही क्यों नहीं रोजगार सृजित किया जाए? नहीं, ऐसा कोई सोचा नहीं नेता लोग, ऐसा वहाँ पर कोई सोचा नहीं कि रोजगार का यहाँ क्या अतिरिक्त व्यवस्था हो सकता है, ऐसा कोई सोचा नहीं। नीतीश कुमार जी अभी NDA के साथ हैं, हाँ। मोदी जी लगातार क्या बोलते हैं बिहार में रैली कर रहे हैं, हाँ। परसों रोड शो भी किए, हाँ। कैसे देखते हैं इस सभी चीज़ों को? कौन? मोदी जी रोड शो किए हैं पटना में, इसका जवाब नीतीश कुमार देंगे। पैराग्राफ मोदी के गिर रहा है कि उठ रहा है? पहले जो हम राजनीति नहीं करते थे और जब शुरू किए तब दोनों बात बतला देते हैं। पहले एक बार बिहार में होता था प्रधानमंत्री का सभा, आए वो झारखंड में होता था, दो गो सभा होता था, फिर तीसरा सभा वो नहीं होता था, इतने में काम चल जाता था, फिर तो प्रधानमंत्री लौट के नहीं आते थे। तो क्या है सर, मतलब कि बिहार में तेजस्वी जी से डर गए हैं मोदी जी, या फिर क्या है? तेजस्वी जी कोई उनको भय नहीं ने पैदा किए हैं, तेजस्वी जी
जो लोकप्रिय हो गए जनता के बीच में, तो लोकप्रिय होने से वोट बढ़ता है ना, तो लोकप्रिय हुए वोट जो बढ़ गया उससे डर गए। अच्छा, मोदी जी को ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी के पाले में युवाओं का साथ है? नहीं है तो रोड पर पैदल कैसे चल रहे हैं, दुल्हा की गोदी चढ़ के चलेंगे? पहली बार पटना में रोड शो करना पड़ा मोदी जी को। हाँ, और यही सोना पड़ा, यही खाना पड़ा, यही रहना पड़ा। औकात समझ में आ गया मोदी जी को, 400 के पार, समझे कि नहीं? हाँ, नारा देते हैं कि गंगा ने माता ने बुलाया। अरे कहाँ लव तेरा माता बुलाया, तो चीन वो करता है, वो जानता इंटरनेशनल चीज हो तुम। अरे तो भाई बोल रहे हैं कि वो तो पटना आए थे, लगता है कि जहानाबाद भी आना पड़ेगा, कैसे लिपटिएगा? किसको? मोदी जी को। जनता नहीं पट देगा हमको, उसमें कोई काम कर ला, हमको कोई काम नहीं उसमें, वो जनता काफ़ी है। अच्छा, अतरी विधानसभा क्षेत्र के जो अभी मौजूदा विधायक हैं रंजीत यादव जी, एकदम चढ़ बढ़ करके आपके साथ आ गए। अभी बोल रहे थे कि पहले चना दो को था, अब एक हो गया है, तो एक हो गया है तो कितना मजबूत हुए सुरेंद्र यादव जी? एक बात हमेशा याद रखिए, कोई चीज़ दो से एक होता है तो मजबूत हो ही जाता है ना। बिल्कुल, तो दो से एक हो गया तो मजबूत हो गया। एक करने वाले के पीछे हाथ किसका सर, जानना चाहती है जनता? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी वहीं से कर दिए? हाँ, और बाहर रहते तब तो बता ही रहे कि कुछ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के जो जनता है वो बोलते हैं कि वो अपना सजा पूरा कर लिए हैं? हाँ कर लिया है, हमको लगता है कि 4 महीने के अंदर में वो वापस आ जाएंगे। राजेंद्र यादव भी आ जाएंगे? हाँ, 4 महीने के अंदर में चला जाएगा वापस, गारंटी। और नहीं तो फिर हम ही केस कर देंगे, हम ही कर देंगे, पूरे करना का हम कर देंगे। किन पे केस कीजिएगा? हाईकोर्ट पर। किसी चीज को ज़्यादा कैसे रख लीजिएगा, हमको जितना है उससे ज़्यादा कैसे रख लीजिएगा? मतलब कोई नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगा, कोर्ट तो सुनेगा ना। मतलब कि आप भी कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं? कर्ज उधार के बाकी नहीं रहता है, हमेशा इंसान को लड़ाई लड़ना चाहिए न्याय के खिलाफ में, जो अन्याय होता है तो न्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ उतरिए तो न्याय मिलेगा। अच्छा, आप लोग जब सभा को संबोधित करते हैं सर, अभी भी आप बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी इतना रोजगार दिए, इतना नौकरी दिए, गांधी मैदान में मतलब कि एकदम नौकरी को बांट दिए, और आपके जो प्रतिद्वंदी एनडीए वाले नीतीश कुमार के पार्टी वाले लोग वो बोलते हैं कि नौकरी तो हम लोग दिए, तेजस्वी तो बउआ है, 17 साल से राज सब कर रहा है ना, जितना मंत्री है 17 साल से राज कर रहा है ना, तो इसके पहले ज्ञान नहीं था, वैकेंसी नहीं था, पैसा नहीं था, जो करेगा उसी का नाम होगा, जो करेगा उसी का नाम होगा। मंदिर में चंदा सबको ही देता है पर पुजेरी एक ही वो रहता है ना। बिल्कुल, तो तेजस्वी पुजेरी था इस बार, तेजस्वी जी पुजेरी थे और उनका जादू इस बार चल रहा है लोकसभा चुनाव? बिल्कुल चलेगा। जहानाबाद के जनता पे कितना भरोसा है सुरेंद्र यादव जी को, यात्री के जनता पे कितना भरोसा है? ये हमारे अभिभावक हैं, जहानाबाद और अतरी सब हमारे गार्जियन और मेरा परिवार हैं, तो भरोसा ना होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, सब मेरा परिवार है, तो परिवार में भरोसा नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे परिवार। 2019 में भी आप क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, जनता का शिकायत वही है कि बदला है? देखिए, एक बात तो हमेशा जान लीजिए, 19 के जो टाइम था उसमें हम भी नहीं किए थे यहाँ कहीं कोई गांव में, अतरी के कोई गांव में नहीं, नहीं कोई गांव नहीं गए, कोई गांव नहीं गए, हम घर ही बुला के सबसे मीटिंग कर लेते थे। तो वही हम पूछ रहे हैं सर कि चलिए अतरी तो नहीं आए थे आप गांव में, अपने घर पे ही बुला करके मीटिंग कर रहे थे, और सभी विधानसभा क्षेत्र में और जहानाबाद के अलग अलग गांवों में जब आप जाते थे तो जो शिकायत 2019 में थी वही शिकायत है या फिर वो चेंज हुई है? नहीं, समय चेंज होता है, समय चेंज करता है, जब समय चेंज हुआ तो अलग अलग बात उठता है, अलग अलग बात आता है, समय चेंज होता है, समय चेंज होता है और समय चेंज हुआ है आप ये बता रहे हैं, मान लीजिए इस बात को। चलिए आखिरी सवाल होगा, अपने क्षेत्र के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो हमारे मालिक हैं, तो मालिक कहें कि आप हमको वोट दीजिए, भारी वोट से चुनाव जिताइए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो भी आपका काम है सब करने के लिए तैयार हैं, आपको सेवा करने के लिए तैयार हैं, जो कार्य है वो सारा करने के लिए तैयार हैं।
चलिए, सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ थे और हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। आप सुरेंद्र जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जहानाबाद का एक एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं रेगुलर और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।